बहुत बहुत शुभकामनाएं। मदन पाल ने बहुत अच्छा लिखा, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब, क्या नाम उनका? रवि भटनागर। रवि भटनागर जी जिंदाबाद हो, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर ही अच्छी कंपोजिशन बनाएंगे तब ये गाएंगे, नहीं तो ये कहाँ से गाएंगे। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। और ये मेरी छोटी बहन है और इसको मेरी बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत जी। थैंक यू रितु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे सिंगर्स आपको सपोर्ट करने पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट मिला है क्या यहाँ पहुँचे? मैं इन लोगों ने तो मुझे आज ही नहीं, जब से मैं बॉम्बे आई तब से सपोर्ट किया है। घर बिल्कुल अपने घर जैसे रखा है, हर कदम पे मुझे मदद किया है। तो मुझे ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा हक है और मुझे ये मालूम है ये आएंगे। हाँ, इनका हक है पूरा। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता, आपका यही जज्बा होता, तो आप इस मकाम तक आ पाते? क्यों नहीं आ पाते? कैसे क्वेश्चन पूछे हैं? ऐसा नहीं, होता क्यों नहीं? नहीं, अगर ऐसा नहीं भी होता तो एक तेरे हाथ में माइक नहीं होता तो इंटरव्यू कैसे लेता है ना? तो सब है ना, हम तो सब रहेंगे। नहीं, एक जज्बा होता है वो उस मंजिल पे होता है, लेकिन एक सपोर्ट ही तो सबके पास हमेशा रहता है, अल्लाह ताला ऊपर वाला, वो तो सबके साथ है ना, और वो ही भेजता है अपने मैसेजर्स। इनका दौर बदल चुका है, ऐसे में एक बार फिर से गजल आ रहा है, तो क्या लगता है कि आजकल की जो यूथ है? मुझे लगता है आज की यूथ ज्यादा अच्छी है और समझती है, बशर्ते हमें देना नहीं आता तो हम उन पर रख देते हैं कि वो सुनते हैं। अभी आप देखिए, इतनी फिल्में रिलीज हुई है, इतना म्यूजिक रिलीज हुआ है, अच्छा म्यूजिक ही जो ऑडियंस है, बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह, वो ही पसंद कर रहे हैं, और जो बेकार म्यूजिक है उसको साइड कर देते हैं। देखिए क्या होता है, दौर होता है, चेंज होता है, गजल फॉर्मेट आ ही रहा है ऋतु, सब अच्छे रोमांटिक गाने जो भी है, महेश भट्ट की पिक्चर में फॉर्मेट है, लेकिन प्योर गजल सुनने को नहीं मिल रही। देखिए, जो चीज लुप्त हो गई है उसको आप एकदम तो नहीं ला सकते ना, अब आएगा आपको धीरे धीरे ही देना पड़ेगा। देखिए, वजह ऐसा है, आपने आज जंक फूड खाया, कल आपका पेट खराब हो गया, फिर आपको डॉक्टर ने बोला बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, आप एक महीने तक नहीं खा सकते। तो अब मैं बोलूँ, आपने एक महीने तक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दो दिन तो हो गई दवाई खाई, अब ले लीजिए जंक फूड। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर समाज में फैलती है, कहीं भी फैलती है ना, उसको उसके जो भी मतलब मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, हर किसी चीज़ को देखकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में आप दही अपने हथेली पर नहीं जमा सकते। हमारा संगीत भावना प्रधान है, मेलेडी प्रधान है, और मेलेडी हमेशा रहती है। मैं पहले दे चुकी हूँ, जिंदगी रोज नए रंग में ढल जाती है। थैंक यू सो मच।